अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल पर वेलकम है। आज की वीडियो में स्टीम आयरन को चलाना सीखेंगे। बहुत से लोगों को इसको चलाना नहीं आता, इसके बारे में पता नहीं होता। अक्सर घरों में स्टीम आयरन होती तो है, लेकिन कंप्लीट फंक्शन पता नहीं होने की वजह से कंप्लीट यूज इसे कर नहीं पाते। आज मैं आपको इसके फंक्शंस के बारे में बता रही हूँ और इसके अलावा आज की वीडियो में इसके फुल फीचर के साथ इसको इस्तेमाल करना सीखेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये पैनासोनिक टाइटेनियम सोल प्लेट स्टीम आयरन है। ये 1800 वॉल्ट की है और इसका मॉडल नंबर है NIM300TVSJ। इस बॉक्स में आयरन के अलावा है वारंटी कार्ड और इंस्ट्रक्शन बुक। इसकी प्राइस है 35 न्यूजीलैंड डॉलर और ये मैंने वेयर हाउस से ली है। तो चलें इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ये है थर्मोस्टेट ऑपरेटिंग इंडिकेटर लाइट और ये हैंडल है, टेम्परेचर सेलेक्टर, स्प्रे मिस्ट बटन, पावर शॉट बटन, ड्राई सेलेक्टर और इसको स्टीम सेलेक्टर भी बोलते हैं, वाटर फिल कवर, स्प्रे नोजल और ये है मैक्सिमम वाटर लेवल इंडिकेटर। और यहीं पे जो है ना मैक्सिमम लिखा हुआ होता है MAX, तो यहीं तक ही जो है ना वो वाटर भरना होता है। सोल प्लेट, वाटर टैंक, यहीं पे ना एक एरो दिया हुआ होता है और यहीं से हमें जो है वो टेम्परेचर सेलेक्ट करना होता है। इस एरो पर ही लेकर जाना होता है हमें सेलेक्टर को। हील रेस्ट, पावर कॉर्ड और ये 360 डिग्री स्वेवल कॉर्ड है इसका और आप देख सकते हैं चारों तरफ घूम रहा है ये। और पावर कॉर्ड की आप लेंथ देख सकते हैं कितनी अच्छी है, इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाती है ये। और ये है पावर प्लग। अच्छा, आयरन को यूज़ करने से पहले ना इसकी टेम्परेचर सेटिंग के बारे में बता दूं। पहला डॉट जो दिख रहा है वो है लो टेम्परेचर का, इसके बाद जो दो डॉट दिख रहे हैं वो मीडियम टेम्परेचर है, तीन डॉट जो दिख रहे हैं वो हाई टेम्परेचर है। तो हमें स्टार्ट करने से पहले जो है ना ड्राई सेलेक्टर को ज़ीरो पर ही रखना है और टेम्परेचर सेलेक्टर को भी हमें ज़ीरो पर ही रखना है। अब मैं जो है इसके अंदर पानी डाल ली हूँ और वो पानी जो है तकरीबन 210 ml तक होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। तो देखिए मैंने पावर कॉर्ड खोल लिया है और जो है मैं अपने एक्सटेंशन में लगा रही हूँ। बटन ऑन करने के बाद जो है आपने ये जो टेम्परेचर सेलेक्टर है इसे जो है घुमाना है और कोई भी आपका फैब्रिक हो वहाँ तक लेकर आना है, जैसे कि सिल्क है, कॉटन है, लिनन है। तो सेलेक्टर को घुमाते ही फौरन लाइट ऑन हो जाएगी और जब इस्त्री गर्म हो जाएगी तो तकरीबन 1-2 मिनट बाद ही खुद ही ऑफ हो जाएगी। मैंने एक कॉटन की शर्ट ले ली है प्रेस करने के लिए। तो चलें इसके फंक्शन को यूज़ करने का तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्प्रे बटन और इसमें ना बिल्कुल शावर की तरह पानी निकलेगा। तो जैसे जैसे आप स्प्रे बटन यूज़ करते रहेंगे वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी देर में जो है वो रिंकल जो है हमारे कपड़े से जाते रहेंगे और 10-10 सेकेंड बाद जो है आपको स्प्रे बटन जो है ऑन करते रहना है, दबाते रहना है। अब बारी है पावर शॉट बटन की और जैसे ही आप पावर शॉट का बटन दबाएंगे ना तो नीचे जो सोल प्लेट है ना वहाँ से भाप निकलना शुरू हो जाएगी। और पावर शॉट बटन दबाने से पहले ना आपका टेम्परेचर हाई पर हो और ज़ीरो सिलेक्टर से ना बिल्कुल लो स्टीम निकलती है, यानी कि हल्की हल्की सी भाप निकलेगी। अच्छा, ज़ीरो स्टीम सेलेक्टर ना जब ही यूज़ करिएगा जब आपका कपड़ा ना बहुत ही बारीक हो, यानी कि पॉलिएस्टर मटेरियल हो या फिर सिंथेटिक मटेरियल हो।
और ये जो सेंटर वाला सेलेक्टर है बीच वाला, इसमें से जो है मीडियम स्टीम निकलेगी। और आप इस सेलेक्टर को उस वक्त यूज़ करेंगे जब आपका कपड़ा जो है बहुत ही थिन हो, डेलिकेट हो। ये जो थर्ड वाला सेलेक्टर है ये बिल्कुल हाई स्टीम है, इधर जो है बहुत ज़्यादा भाप निकलेगी तेज़ी से, जैसे कि आपके कपड़े में बहुत ज़्यादा रिंकल्स हो और जो है आपका कपड़ा जो है बहुत ही थिक मटेरियल हो। और जो है 10-10 सेकंड बाद जो है ना पावर शॉट का बटन दबाना है, फिर इसमें से जो है वो थोड़ी थोड़ी देर में स्टीम निकलती रहेगी। और जब भी आप हाई स्टीम जो है सेलेक्टर यूज़ करें, यानी कि जब आपके कपड़े में बहुत ज़्यादा सिलवटें हो, रिंकल हो, तो आपको जो है नीचे वाला जो थर्मोस्टेट सेलेक्टर है ना उसको मैक्सिमम पर रखना है। अब बारी है वर्टिकल शॉट की। अक्सर आपने मार्केट में देखा होगा एक लंबा सरॉट कपड़े के ना इर्द गिर्द घुमा रहे होते हैं और उसमें से ना तेज तेज स्टीम निकल रही होती है, तो ये पैनासोनिक की स्टीम आयरन यही काम करेगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है वर्टिकल शॉट। इसमें जो है आप अपने जो कपड़े होते हैं जैसे कि कर्टन, टी शर्ट, ट्राउज़र, कोई भी मतलब आपका सूट हो, उसको आपको बस हैंग करना है हैंगर में और जो है अपनी इस्त्री को जैसे कि वर्टिकल करना है, जैसे कि सीधी करना है बिल्कुल। फिर जो है पावर शॉट का बटन दबाना है, तो जैसे ही आप बटन दबाएंगे नीचे जो सोल ब्लेड है ना वहाँ से एकदम हाई स्टीम निकलेगी और हमें जो अपना टेम्परेचर सेलेक्टर मैक्सिमम रखना है। ये वाला जो वर्टिकल मेथड है मैं अक्सर कर्टन्स में करती हूँ क्योंकि वो अक्सर हैंग हुए भी होते हैं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे कपड़े प्रेस हो गए और बिल्कुल रिंकल फ्री हैं। जब आप आयरन को इस्तेमाल कर लें तो टेम्परेचर सेलेक्टर को ज़ीरो पे कर दीजिएगा और ड्राई सेलेक्टर को भी ज़ीरो पे कर दीजिएगा। वाटर टैंक को भी खाली कर दें, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जब आप पानी निकाल देंगे तो थोड़ी देर में जो है इस्त्री जो है ठंडी हो जाएगी। हमेशा आपको जो है इसे हील रेस पर ही रखना है और इससे जो है आपकी सोल पेड पर निशान नहीं पड़ेंगे। अच्छा, कभी ऐसा होता है ना कि जैसे स्टीम जो है वो सोल प्लेट से नहीं निकल रही है, तो लाइट ऑन होने का वेट करें। जब लाइट ऑफ हो जाए तो फिर पावर शॉट बटन आपको यूज़ करना है, क्योंकि जब आयरन गर्म होगी तभी जो है वो स्टीम निकलेगी। एक दफ़ा पावर शॉट बटन दबाने के बाद कुछ सेकंड का वेट ज़रूर करें, जल्दी जल्दी बटन ना दबाएं। और जो वाटर टैंक का लेवल है मैक्सिमम वहीं तक ही पानी रखें, बल्कि चाहें तो उसके नीचे ही रखें। आखिर में मैं बस यही बोलूँगी कि बहुत से लोगों को जैसे शिकायत होती है आयरन लीकेज की, तो टेम्परेचर सेलेक्टर को हमेशा मैक्सिमम पर रखें जब भी आप स्टीम यूज़ कर रहे हो और ड्राई सेलेक्टर को हाई पर रखें, आपके कभी भी जो है वो आयरन लीकेज नहीं होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपने इस स्टीम आयरन के बहुत सारे फंक्शन जो है वो सीखे होंगे। कुछ लोग इसे इस्तेमाल कर चुके होंगे और कुछ लोग जो इसे ख़रीदना चाहते होंगे, तो मैं ज़रूर बोलूँगी इस स्टीम आयरन को पैनासोनिक की, इसको ज़रूर ख़रीदें। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।